कराची में कोरोना की शरह 30.7% है। 125 मरीज ऑक्सीजन, 22 वेंटिलेटर पर। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। 24 जनवरी से इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। बीमारी दोबारा फैलने की वजह मास्क न लगाना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत, मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद, कहा मिनी बजट मंजूर होते ही बिजली, पेट्रोल, अद्वियात और तिब्बी आलात महंगे हो गए। गर्मी में बिजली, सर्दियों में गैस नहीं मिल रही। वजीर आजम का अबू धाबी के वलीअहद मोहम्मद बिन जैद से राब्ता, ड्रोन हमले की मजम्मत, अमवात पर दुख का इजहार। इमरान खान ने कहा इस तरह के दहशतगर्द हमलों को जायज करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी और 3 सूबाई दार हुकूमतों में कोरोना की मुस्बत शरह 10% से बढ़ गई। लाहौर में 15, हैदराबाद 14, इस्लामाबाद में 11.8 और पिशावर में 10.68% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में मुस्बत शरह 21.43% तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। एक दिन में 5472 कोरोना केसेज रिपोर्ट, मुस्बत शरह 9.48% रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ दूसरी बार कोरोना का शिकार, ऑपोजिशन लीडर ने तमाम सियासी सरगर्मियां तरक कर दी। घर में करंटीना, डॉक्टर्स की सदर नून लीग को मुकम्मल आराम की हिदायत। अदाकारा हीरा मानी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना बड़ा चैलेंज मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। माजी के गलत फैसलों की वजह से मुल्क नीचे आया। गरीब नौजवानों के पास कारोबार के आइडियाज हैं लेकिन पैसे नहीं। नौजवानों को कारोबार के लिए लीज पर प्लॉट देंगे। बरामदात में रुकावट डालने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, वजीर आजम का ऐलान। नेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिलाफ। आर्मी चीफ से चीन के सफीर की मुलाकात, दो तरफा उमूर। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खत्ते में अमन के लिए शराकतदारों के साथ तआवुन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर का सी पैक मनसूबे में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गुजरांवाला वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मरी समेत बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान, इंतजामिया अलर्ट। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त, धोखादही खारिज की जाए। मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाए जाएं। शरीफ फैमिली मनी ट्रेल नहीं दे सकी, हकायक छुपाए। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब के पास नवाज शरीफ की जायदाद की मिल्कियत, मरियम नवाज के बेनिफिशियल ओनर होने का कोई सबूत नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा, मरियम नवाज की पटिशन का जवाब। हुकूमत ने 3 सालों में खाद की रिकॉर्ड पैदावार की। किसानों को आलमी मंडी के मुकाबले में 5 गुना सस्ती यूरिया मिली। खाद की ब्लैक में फरोख्त और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास, खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मिनी बजट के ऑफर शॉक्स, आटा, चीनी, दालें, डब्बे के दूध और साबुन समेत दीगर अशिया जरूरिया की फिर ऊंची उड़ान। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा होकर 1450 रुपये का हो गया। टेलीकॉम कंपनीज ने कॉल और इंटरनेट पैकेज भी महंगे कर दिए। महाना सुपर लोड के पैकेज में 50 से 100 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। नाअहल हुक्मरानों को आवाम के बजाय अपने ATMs की फिक्र है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला की तरह नवाज मंडेला बनकर वापस आना चाहते हैं। नून लीग ने हर फोरम पर खुद कहा डील हो चुकी। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की नून लीग की क्यादत पर सख्त तनकीद। गैस का बहरान बरकरार, आवाम हो गए कार। शदीद सर्दी में घरों के चूल्हे ठंडे, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। आवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार, महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। जलालपुर भटिया में 3 दिन से गैस गायब, शहरी शराब एहतजाज। इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक से दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसील ले, स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर पर फाल किया जाए। फरूख हबीब का मुतालिबा, तहरीक इंसाफ अपने अकाउंट्स का हिसाब दे चुकी। नून लीग नहीं चाहती फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल हो, वजीर ममलकत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास, सेंटर इरफान सदीकी और फैसल जावेद में नोकझोंक। PTV पर अब शहबाज शरीफ की तकरीर 2-2 घंटे नशर की जाती है। जब इमरान खान ऑपोजिशन लीडर थे तब इन्हें सरकारी TV पर नहीं दिखाया जाता था। फैसल जावेद का शिकवा, इरफान सदीकी ने जवाब दिया छोटे मोटे लीडर्स आते रहते हैं। आए जनूबी पंजाब सूबा बनाए, हुकूमत की ऑपोजिशन को दावत। वजीर खारजा ने कहा जनूबी पंजाब सूबा के ख्वाब की ताबीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए, आइनी तरमीम के लिए कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। लाहौर में गुलबर्ग से मोटरवे टू एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, वजीर अला पंजाब ने प्रोजेक्ट के PC1 की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का 10,000 से ज्यादा स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमान हसान खावर कहते हैं माजी में एनर्जी के शोबा पर कोई तवज्जो नहीं दी गई।
FBR से आईमा बेग तेज निकली। टैक्स चोरी पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुलुकारा के बैंक अकाउंट्स मुंजमित कर दिए, लेकिन टैक्स की रकम हासिल ना की जा सकी। आईमा बेग ने 2.5 करोड़ रुपए निकलवाकर अकाउंट्स खाली कर दिए। कराची में जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी। कारकुन सिंध असेंबली के बाहर डट गए। बल्दियाती इदारों से सूबाई हुकूमत का कब्जा खत्म कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल हसन स्क्वायर पर धरना देने का ऐलान। लाहौर में महकमा ज़राअत के मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी। 17 साल बाद मुलाजमत से निकालना किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहरीन का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालिबा। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमेरिका में 5,46,000 नए मरीज, 1,720 अफराद हलाक। फ्रांस में 4,64,000, इटली में 2,28,000, स्पेन और बरतानिया में 94,000 केस रिपोर्ट। भारत में 2,82,000 अफराद में वायरस की तस्दीक।